हेलो स्टूडेंट्स। तो लॉकडाउन लगातार बढ़ रहा है, ऐसी महामारी आ गई है कि हम लोगों को अपने घर में ही रहना है, घर से बाहर भी नहीं निकलना है। और सारी दुनिया परेशान है, हम लोग भी बहुत परेशान हैं, तुम लोग भी बहुत परेशान हो, घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हो। क्लास 10 का एग्जाम तो होगा ही, है ना, और सिलेबस भी पूरा आएगा, तो इसलिए हम लोग ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 के लिए भी। और एक एक करके रोज से एक मैं वीडियो अपलोड करूंगा, एक वीडियो हर रोज, और आप लोग घर पे आराम से पढ़ाई करिए। बाकी क्षितिज एकेडमी के व्हाट्सएप ग्रुप में आपको होमवर्क के लिए भेजा जाएगा, फिर आप असाइनमेंट सबमिट कर देंगे, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में ही मैसेज करेंगे। तो आओ आज हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स सब्जेक्ट, आप फिजिक्स के बारे में आप पहले से भी बहुत कुछ जानते हैं। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। इस पर हम लोग खास चर्चा करने वाले नहीं हैं, हम लोग क्लास 10 के सिलेबस पे मेनली फोकस करेंगे। तो फिजिक्स इज वेरी सिंपल, का डेफिनेशन स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज, ठीक है, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। तो क्लास 10 के फिजिक्स में जो सबसे पहला चैप्टर है जो हम लोग पढ़ेंगे वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सीधा पहले चैप्टर पे आते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, चलो। तो करंट के बारे में पढ़ने से पहले हम लोगों को चार्ज के बारे में समझना होगा, ठीक है। क्यों चार्ज के बारे में समझना होगा, तो जरा समझिए, करंट के डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए। आइए जरा हम लोग करंट के बारे में समझते हैं। पहले करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, ठीक। सबसे पहले हमने देखा करंट क्या होता है, तो चार्ज के फ्लो करने के रेट को, मतलब चार्ज किस रेट से फ्लो हो रहा है, हमें क्या बताता है? करंट बताता है। बेसिकली करंट डिटरमाइंस एट विच रेट चार्ज इज फ्लोइंग। करंट ये बताता है कि चार्ज किस रेट से, किस दर से फ्लो हो रहा है। फिजिक्स में जब हम रेट की बात करते हैं देन उसका मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। जब भी हम फिजिक्स में किसी चीज के रेट की बात करेंगे, इसका मतलब हम उस चीज का रेट टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, टाइम से डिवाइड देने पे रेट आएगा, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो वो सिंपल डेफिनेशन है, तो इसलिए हमने आपको कहा कि चार्ज के बारे में पहले समझना पड़ेगा। करंट के बारे में समझने से पहले करंट के परिभाषा में चार्ज आ गया, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो करने के। कहाँ? तो देखो किसी कंडक्टर में चार्ज कहाँ फ्लो करेगा। तो सबसे पहले और जरा बेसिक सा चर्चा करते हैं चार्ज पर, चार्ज पे बिल्कुल ही बेसिक चर्चा करेंगे। तो वो ये चार्ज वही है जो आप समझ रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। चार्ज दो तरीके के होते हैं। अब चार्ज के डेफिनेशन में डिटेल में अभी हम लोग नहीं जाएंगे, बस हम ये जानते हैं कि दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, और प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक।
आपको बेसिक बातें चार्ज के बारे में पता होनी चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, जब सेम टाइप के चार्ज होते हैं तो इनमें होता है रिपल्सन, और जब अपोजिट टाइप का चार्ज होता है तो इनमें क्या होता है अट्रैक्शन। ठीक, तो चार्ज के बारे में बस फिलहाल आप यही समझो कि टू टाइप्स ऑफ चार्ज, टू टाइप्स, वन इज पॉजिटिव एंड सेकेंड इज नेगेटिव। ठीक है, इतना हम लोग समझ चुके हैं, आप थोड़ा ध्यान से समझिए। तो जितने भी हमारे मैटर हैं, सारे मैटर एटम से बने हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। एटम में क्या है, एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के अंदर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पहले भी पढ़ा होगा। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर काट रहा होता है इलेक्ट्रॉन। तो आप समझिए, एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव होता है, कोई भी कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम या थ्रू आउट द कंडक्टर चल सकते हैं। जैसे एक कंडक्टर, यहां एज्यूम करो कि ये कोई कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में बहुत सारे एटम होंगे, यहां के एटम का कोई इलेक्ट्रॉन यहां तक जा सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां तक जा सकता है। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव होते हैं, ये पॉइंट नोट करने का है कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव कर सकता है, इसीलिए वो कंडक्टर है। क्लियर है? अब देखिए होता क्या है, जब हम किसी कंडक्टर को, ठीक है, किसी वोल्टेज सोर्स से, किससे, वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज आप समझो, जनरल डे टू डे लाइफ में हम लोग ये टर्म यूज करते हैं, हमारे घर में कभी हाई वोल्टेज आ जाता है, कभी लो वोल्टेज हो जाता है। तो वोल्टेज मतलब वही जो आप समझ रहे हो, जो आपके डेली टू डेली लाइफ में है। आगे आने पर हम आपको विशेष इसके बारे में बताएंगे इसी चैप्टर में। क्लियर है? तो जब भी हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस, उसके एंड्स के अक्रॉस, किसी कंडक्टर के एंड, दो एंड पॉइंट के अक्रॉस जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो इस दोनों एंड, जो दोनों एंड है कंडक्टर के, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली वही वोल्टेज, वोल्टेज क्रिएट हो जाता है। यहां और यहां पे क्या क्रिएट हो गया है, वोल्टेज। फॉर एग्जांपल एक बैटरी है, जस्ट सपोज कि बैटरी पे लिखा हुआ है 12 वोल्ट, तो इसका मतलब ये होता है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज है 12 वोल्ट और नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज है 0 वोल्ट, ये हम एज्यूम करके चलते हैं। तो यही डिफरेंस यहां भी क्रिएट हो गया, और इस डिफरेंस के कारण, पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली वोल्टेज के कारण, इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से, एक पार्ट से, एक एंड से दूसरे एंड तक जाएगा। ये सारा प्रोसेस में हम लोग बाद में आएंगे डिटेल में, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज के बारे में सब इसी टॉप चैप्टर में पढ़ना है। अभी तो आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर चलता क्यों है। देखिए पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर के अंदर नहीं मूव करता ऐसा माना गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है वो बाहर नहीं निकल सकता न्यूक्लियस को तोड़ के। अभी तक हम लोग यही एज्यूम कर रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर है और वो बाहर नहीं निकल सकता है। इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव होता है कंडक्टर में, तो जब भी हम किसी कंडक्टर को बैटरी, ये वोल्टेज आपको देगा कौन, बैटरी या फिर जो लाइन का सप्लाई आपके घर में आता है वो, तो जब हम किसी कंडक्टर को वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं तो उनके दो एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, बेसिकली कहें तो एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और इस डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगता है। क्लियर है? अब इलेक्ट्रॉन हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। जैसे ये वाला एंड है, इसका पोटेंशियल कम है, 0 वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन इस वाले एंड से मूव करना चालू करता है,
इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो अब थोड़ा थोड़ा करंट का फील आया होगा कि करंट में जब हम कह रहे हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, तो चार्ज कौन सा चार्ज फ्लो करता है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव सो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। अब कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहा है यही तो हमको बताएगा करंट, ठीक है। करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय आई, और जो चार्ज है चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट किया करेंगे। तो अब हम लोग करंट के बारे में क्या लिख सकते हैं, आई बराबर क्यू बाई टी, क्लियर है। ठीक है बच्चों, तो अब ध्यान से समझिए, तो करंट बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आई बराबर क्यू बाई टी। अब देखो करंट एक फिजिकल क्वांटिटी है, आप थोड़े बड़े हो गए तो आप ये भी समझ पाओगे कि करंट एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ये जो भी स्क्रीन पे लिखा हुआ है आप स्क्रीन पॉज करके इन सबको उतार लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा, समझो। तो करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं और आई बराबर लिख सकते हैं क्यू बाई टी, वेयर क्यू इज द चार्ज, ठीक है, और टी टी आपका टाइम है, आई बराबर करंट, क्यू क्या है चार्ज, टी क्या है टाइम, क्लियर। अब सबके एसआई यूनिट की बात करेंगे, एसआई यूनिट किसका क्या क्या होता है। देखो करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पेयर, और सिंबॉलिकली हम ए से यूज करते हैं, ए यूज करते हैं एम्पेयर को लिखने के लिए। चार्ज का यूनिट क्या है कूलम, और इसको हम सी यूज करेंगे, कैपिटल सी यूज करेंगे कूलम को डिनोट करने के लिए। और टाइम के बारे में सबको पता है इसका यूनिट क्या होता है सेकेंड, और एस यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब आ जाओ, अब एक और बात, जो भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम पढ़ते हैं हमें पता होता है कि वो कैसे फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर और वेक्टर। हम जान रहे हैं क्लास 9 में सभी बच्चे पढ़े होंगे दो टाइप के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं स्केलर और वेक्टर। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना जरूरी हो वो वेक्टर होता है, और ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से हमारा काम हो जाए तो उसे हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो यहाँ करंट स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि इसका डायरेक्शन होता है, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है यह मैटर करता है, क्लियर है। तो आप समझिए करंट इज स्केलर क्वांटिटी बट इट हैज डायरेक्शन, ठीक। करंट स्केलर क्वांटिटी होता है लेकिन इसके पास डायरेक्शन है, और करंट ऐसा स्केलर क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन भी है, मतलब वो करंट स्केलर क्वांटिटी है लेकिन डायरेक्शन मैटर करता है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है, वेक्टर का एक नियम फॉलो, वेक्टर का लॉ अगर फॉलो करेगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, तो वेक्टर होगा कोई फिजिकल क्वांटिटी। करंट रूल ऐड होने के लिए तो नॉर्मल अलजेब्रा का रूल फॉलो करता है, बट डायरेक्शन मैटर करता है करंट, ठीक है। तो अगर जो बच्चे ज्यादा डिटेल में नहीं समझ पाए तो वो बस इतना समझ लें कि करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट हैज डायरेक्शन, ठीक। अब समझो
ऐसा स्केलर क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन भी, उसको हम लोग अलग नाम दे सकते हैं, टेंसर क्वांटिटी। ये सिलेबस में नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा था चर्चा करने का लिखने का, बट ठीक है चलो जान लोगे तो अच्छा ही रहेगा। आगे देखते हैं, डायरेक्शन पे बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो देखो बच्चों, करंट का जो डायरेक्शन है ना, करंट का जो डायरेक्शन है वो बैटरी के टर्मिनल में पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्लियर है। चलो अच्छा, डायरेक्शन पे थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लो कि एक बल्ब है ये, और बल्ब को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर लिया है। बैटरी कुछ वोल्ट का है, 6 वोल्ट, तो आप समझ जाएंगे कि पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज +6 लेना है और नेगेटिव टर्मिनल का 0 वोल्ट लेना है। ये प्लस वाला टर्मिनल, माइनस वाला टर्मिनल, क्लियर है। अब ध्यान से समझो, तो आपको बताया मैंने ना, डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, जैसे इसमें हमने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले, कि कम वाले पोटेंशियल से, लोअर पोटेंशियल वाले से हायर पोटेंशियल वाले की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इलेक्ट्रॉन, तो इससे क्या हो जाएगा कि जो करंट का डायरेक्शन है वो हम यही लेंगे। एंड एक और बात हम यहां पे लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट। आप समझो, अगर करंट ऐसे जा रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो करंट के बारे में आप अच्छे से समझ गए हैं, करंट का यूनिट भी समझ गए, कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर, और इसके पास डायरेक्शन भी होता है करंट का, ठीक है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन मैटर करता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, बाबू सभी लोग ध्यान से सुनिएगा कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन 1 एम्पेयर, बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है सीबीएसई का, अक्सर पूछा जाता है 1 नंबर में या 2 नंबर में, तो 1 एम्पेयर को डिफाइन करना है। तो हम लोग फॉर्मूला से जाएंगे, फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया, आई बराबर क्यू बाई टी, डेफिनेशन यहीं से आ जाएगा। सोचो जरा, 1 एम्पेयर करेंट कब होगा, जब 1 कूलम चार्ज किसी कंडक्टर से 1 सेकेंड में फ्लो हो जाए। जैसे सपोज करो कि कोई कंडक्टर है और इधर से 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि 1 एम्पेयर करंट फ्लो हुआ है। तो अब यहां से डेफिनेशन बहुत आसान हो गया, इफ 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, then it is said that current flowing through the conductor was is 1 एम्पेयर, ठीक है, क्लियर है। तो देखो बच्चों, हम लोग छोटा छोटा क्लास लेंगे अभी शुरू में, उसके बाद इसको फर्दर आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों को समझ में आए तो प्लीज सभी बच्चे फीडबैक दीजिएगा, शाम में जब भी आप वीडियो देखें तो मैसेज करके जरूर बताएं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है।
अगर समझ में आएगा तो कंटिन्यू वीडियो बनाते रहेंगे, फिजिक्स के बाद मैथ का भी आएगा वीडियो और उसके बाद केमिस्ट्री का भी आएगा, ठीक है। धीरे धीरे सारा लेक्चर सारा टॉपिक हर कुछ आएगा, बस आप लोग इत्मीनान से ठंड दिमाग से आराम से पढ़ते रहिए। और किसी भी बच्चे को किसी भी प्रॉब्लम में कोई डाउट हो तो अभी आपको रेगुलर सपोर्ट दिया जाएगा, आपको प्रॉब्लम बताया जाएगा, आप अपने प्रॉब्लम को हमें डॉक्यूमेंट फोटो क्लिक करके प्रॉब्लम का सेंड कर दीजिए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम आपको पर्सनली आपके व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आपको अलग से उससे जो प्रॉब्लम आपको होगा सिर्फ वो डाउट आपको ही बताया जाएगा, ठीक है। और ग्रुप में वो सारा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी होमवर्क आपको भेज दिया जाएगा डेली का डेली। तो नेक्स्ट अब हम लोग कल क्लास करेंगे, आज आप लोग का काम है कि आप लोग एनसीईआरटी से करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ें, और आपके पास जो भी बुक हो फिजिक्स का एच सी वर्मा अगर हो तो ठीक है, नहीं तो एस चांद और नहीं तो एनसीईआरटी क्वेश्चन प्लीज़ जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।